तो देखिए एक इक्वेशन लिखी हमने यहां पर, ए ए प्लस बी बी गिव्स प्रोडक्ट। अगर हम यहां पर इसका रेट निकालेंगे तो रेट इज इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, अब यहां पर देखिए ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है क्या ए का पावर क्या आएगा और बी का पावर क्या आएगा। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं यहां पर ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। ओके, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू द के, ध्यान से देखिएगा, रेट इज इक्वल टू द के। ओके, ए रेस टू द पावर एक्स और बी रेस टू द पावर वाई। ओके, के रहेगा यहां पर रेट कांस्टेंट, के है यहां पर रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ध्यान से देखिएगा कि अभी हमें यह पता नहीं है कि रिएक्शन की जो स्पीड है ये किस पर डिपेंड है, रिएक्टेंट पर है या प्रोडक्ट पर है। तो मैंने कंसीडर कर लिया यहां पर क्या रिएक्टेंट पर है। ओके, तो यहां पर देखिए कितने रिएक्टेंट पर डिपेंड है, मतलब ए का पावर कितना आएगा, ओके, बी का पावर कितना आएगा। तो मैं कंसीडर कर लिया यहां पर ए रेस टू द पावर एक्स, बी रेस टू द पावर वाई। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां पर ओवरऑल इसका रिएक्शन निकाल लेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर निकाल लेंगे, तो x प्लस वाई ये होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। और x प्लस वाई ये होता है n, x प्लस वाई इज इक्वल टू n, n का जितना वैल्यू आएगा वो रिएक्शन उस टाइप से होगा। अगर n का वैल्यू जीरो आता है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n का वैल्यू अगर वन आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टू आएगा तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थ्री आएगा तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, चलिए चार अगर आया तो क्या रहेगा, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ये आपको निकालना है, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अच्छा आई रेट के टर्म्स में हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए रेट ये भी तो रेट है ना, आई रेट इज इक्वल टू द माइनस वन बाय ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, ओके, इज इक्वल टू माइनस वन बाय बी डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, यस। ओके, तो यहां पर ये जो हमने लिखे हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसे कहते हैं हम रेट कॉन्स्टेंट। ओके, और ये है बेटा रेट लॉ, क्या है ये रेट लॉ। सो व्हाट इज मीन बाय रेट लॉ, देखिए रेट लॉ ये है कि यहां पर ए का पावर कितना आएगा और एक दूसरा स्पेस ही है उसका पावर बी रेस का पावर वाई, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, है ना। तो ये हमें पता चलता है कहां से, एक्सपेरिमेंट से, डायरेक्ट हम थ्योरी से नहीं बता सकते। ओके, तो देखिए रेट लॉ का डेफिनेशन क्या है, द एक्सपेरिमेंटली द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन इक्वेशन ओके दैट एक्सप्रेस द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन इक्वेशन दैट एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए हमने रेट पता है यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन दैट एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन मोलार कॉन्सेंट्रेशन, इन मोलार कॉन्सेंट इन टर्म्स ऑफ, ऐसे लिखना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ, ओके, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट कॉल्ड एज रेड लॉ। ओके, मतलब ये इक्वेशन हम जो निकालते हैं क्या ए का पावर कितना है और बी का पावर कितना है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलता है, इसलिए हमने डेफिनेशन बना के लिखे हैं कि द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन दैट एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये लिखे हमने रेट ऑफ रिएक्शन काय में इन स्क्वायर ब्रैकेट मतलब इन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बराबर है। मतलब रिएक्टेंट में देखो यहां पर क्या रहेगा, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ये जो सिंबल है ये क्या है, देखिए पहले इसको शुरुआत में बोला जाता था एक्टिव मास, क्या बोला जाता था एक्टिव मास, ये कंसेप्ट था गोल्डबर्ग एंड वेगी का, ठीक है, और रिसेंटली इसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो रेट लॉ और रेट कॉन्स्टेंट में आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि रेट कॉन्स्टेंट ये है और ये रेट लॉ है ना, रेट कॉन्स्टेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे, यस सर, सो रेट कॉन्स्टेंट के और वेलोसिटी कॉन्स्टेंट जिसे हम और कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ओके, चलिए तो आई होप यहां तक के तो आपको थोड़ा फार समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यूनिट ऑफ के कैसे निकालेंगे हम, यूनिट ऑफ के का यूनिट कैसे निकालेंगे, यस सर, सुनिए ध्यान से आप, यहां लिखे हैं बेटा हमने रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर, जिसे हम क्या कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इसका पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इसका पावर वाई। के कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स, यस सर, ठीक है, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इसका पावर एक्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इसका पावर वाई, यस सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, सो के इज इक्वल टू मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर, है ना, कॉन्सेंट्रेशन जस्ट बताइए आपको ये क्या होता है, मोल पर लीटर, यस सर, मोल पर लीटर इसका पावर एक्स, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मोल पर लीटर पावर एक्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ओके, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसका पावर वाई, यस। चलिए यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, बेस सेम है, मैं पावर पे एडिशन कर देता हूं, सुनिए मोल पर लीटर, यस सर, सेकंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर, है ना, एक्स प्लस वाई, और हमें पता है कि एक्स प्लस वाई ये होता है एन, एक्स प्लस वाई ये क्या होता है एन, यस सर, पेज नंबर वन स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका जल्दी से। चलिए ध्यान से देखिए, यूनिट ऑफ के, ठीक, के का यूनिट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, तो के इज इक्वल टू मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर, है ना, और क्या है बताइए, सेकंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर, यस सर, पावर एन। ओके, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं के इज इक्वल टू मोल पर लीटर, यस सर, इसका पावर वन था और ये इनवर्स हो जाएगा माइनस एन सेकंड इनवर्स। ओके, चलिए अब एन जो होता है ये होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बताइए, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यस सर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्या है ये एन है, एन का वैल्यू जीरो वन टू, ओके, माइनस
हाफ, चलिए थ्री ले सकते हैं हम, तीन माइनस हाफ, है ना। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी सुनिए, जीरो फर्स्ट सेकंड फ्रैक्शन एटसेट्रा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये जीरो ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है ना। चलिए यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, एन, यस सर, है ना। अब मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, क्या बोलिए, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए आप, साथ ही साथ मैं आपको टेबल में समझा देता हूं इसका यूनिट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिएगा, के लिखते हैं यहां पर, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर वन माइनस एन सेकंड इनवर्स। एन क्या है बताइए, एन का वैल्यू अगर जीरो हो, कितना हो, जीरो। देखिए मेन फॉर्मूला के इज इक्वल टू मोल पर लीटर वन माइनस जीरो सेकंड इनवर्स, यस सर, है ना, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए क्या रहेगा, एन जीरो, यस सर। तो यूनिट क्या रहा है इसका, के इज इक्वल टू मोल, है ना, पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये होगा इसका यूनिट। कौन सा रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कौन से बोलिए, जीरो ऑर्डर, यस सर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, यस सर, थर्ड ऑर्डर, यस सर, माइनस हाफ ऑर्डर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो मोल पर लीटर वन माइनस वन सेकंड इनवर्स, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है सेकंड इनवर्स, यस सर, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर वन माइनस टू सेकंड इनवर्स, यस सर। तो क्या आ जाएगा इसमें, देखिए इसका पावर कितना बच रहा, माइनस वन बच रहा, तो के इज इक्वल टू, सुनिए K इज इक्वल टू ये रहेगा मोल इनवर्स, यस सर, और ये लीटर इनवर्स और ये इनवर्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये लीटर और ये सेकंड इनवर्स, यस। अगर मान लीजिए रिएक्शन थर्ड ऑर्डर हो, कौन सा हो, थर्ड ऑर्डर, सुनिए, तो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर, यस सर, वन माइनस थ्री सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। सुनिए तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए आप, K इज इक्वल टू, ओके सुनिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा इसमें, यहां पर कितना बच रहा, माइनस टू, तो मोल पावर कितना रहेगा, माइनस टू, लीटर इनवर्स इंटू माइनस टू, तो कितना लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है, यस सर। अगर रिएक्शन हाफ ऑर्डर हो, सो K इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखिए आप, मोल पर लीटर, यस सर, वन माइनस माइनस हाफ, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके, थ्री बाई टू, यस सर। सो के इज इक्वल टू मोल पर लीटर, यस सर, थ्री बाई टू सेकंड इनवर्स, लिख सकते हैं डेफिनेटली हम ऐसा, ओके। चलिए तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करवा के देता हूं, सुनिए। क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ के इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन से पावर माइनस थ्री, थ्री इंटू टेन से पावर माइनस थ्री, और आगे है मोल
रेस ऑफ पावर माइनस टू लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट हम यूनिट पर से बता सकते थे कि ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर आएगा और हम सॉल्व भी कर सकते हैं। के कितना है बेटा यहाँ पर, के है सर, अच्छा के क्या रहते बताइए, ये है के है, के इज इक्वल टू बोलो मोल पर लीटर वन माइनस एन सेकंड इनवर्स, और यहां पर के कितना दिया हुआ है मोल ओके पर लीटर यस, और यहां लगा दिया हमने माइनस टू सेकंड इनवर्स। आई होप ये समझ में आएगा आपको, मोल माइनस स्क्वायर और लीटर स्क्वायर, माइनस इनटू माइनस प्लस, यस सर ये कैंसल, यस सर मोल पर लीटर, मोल पर लीटर तो यहां पर देखिए वन माइनस एन इज इक्वल टू माइनस टू, यस सर, और n इज इक्वल टू वन प्लस टू दैट इज थ्री, हेंस द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हेंस द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा थर्ड ऑर्डर है ना, ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगा यहां पर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यस सर। अब देखिए अगर मैं एक इक्वेशन ये लिखा हूं क्या ए ए ए ए प्लस बी बी गिव्स प्रोडक्ट ओके, तो यहां पर इसका रेट कैसे निकाल लिया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसका पावर एक्स कोएफिशिएंट मान लिया हमने ओके, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी रेस ऑफ पावर वाई, यस सर ठीक है ना। चलिए यहां से रेट ये ऐसे लिख सकते हैं कि a का पावर x ओके, और रेट इज इक्वल टू के b रेस टू द पावर y ओके, a का पावर x और b का पावर y, यहां तक क्या आप समझ गए होंगे, यस। इसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या a और b केस में a एंड b आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है ना, देखिए कौन ए और बी क्या रहेगा, ए और बी है, ए और बी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, बराबर है। अगर मैं यहां पर इसकी बात करूंगा ए वाला, ठीक ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है ये, बराबर है ए का पावर एक्स इसका कोएफिशिएंट, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ये, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है ये कॉन्सेंट्रेशन इसका सिंबल है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो इसका पावर आपको दिखाई दे रहा एक्स और वाई, ठीक है ना, ये रहेगा देखिए एक्स एंड वाई आर ऑर्डर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का ऑर्डर है, यस। अगर यहां पर ए का पावर ए x की जगह वैल्यू हम 1 रखेंगे तो a का पावर 1 हो जाएगा, और अगर y की जगह हम 2 रखेंगे तो b का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, चलिए काम कीजिए आप, पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए पेज नंबर सेकंड। अभी बताता हूँ मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। यूनिट तो आपको समझ में आ गया होगा ओके, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है ना, हाफ ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी क्या होता है ये बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो फ्रैक्शन इंटीजर, यस सर ओके। चलिए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होता है एक्सपेरिमेंटल डेटा, हम दिल से नहीं लगा सकते। जैसे मैंने इक्वेशन बना के दिया आपको क्या ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, ए रेस टू पावर एक्स बी रेस टू पावर वाई, यस सर ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा हर पॉइंट को हम डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए सुनिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, द सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच to which
द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर रेस्ड इन रेट लॉ। मतलब जो रिएक्टर की पावर रहेगी या फिर जो मतलब स्पेसी की पावर रहेगी, ठीक है, उस पावर के समीशन को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बड़ा आसान है, ध्यान से देखिए आप। H2O2 इससे तैयार हुआ H2O+O2। अगर हम इसका रेट लिखना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2O2। यस, देखिए मैं यहां दो मोल लिया हूं, ठीक है। सो रेट इज इक्वल टू ओके के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। तो H2O2 का पावर कितना आया है? 1 आया है। हेंस द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन कौन सा रहेगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हालांकि सुनिए आप, ये जो आपको रिएक्टर का कोएफिशिएंट दिख रहा, सुनिए, रिएक्टेंट्स कोएफिशिएंट, ठीक है, रिएक्शन रिएक्टर कोएफिशिएंट है ना, इसका पावर जो है, मतलब देखिए रिएक्टर का जो कोएफिशिएंट है उसको पावर में लेते हैं, टेकिंग इन पावर, टेकिंग इन पावर। तो ये कहना था कि इसका गल्डबर्ग एंड वेगी का ओके, उसका ये कहना था कि रिएक्टर का जो कोएफिशिएंट है उसको आप पावर पे ले लीजिए, है ना, जब ये फॉल था, और इट इज ओनली वैलिड फॉर सिंपल रिएक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल रिएक्शन के लिए वैलिड है ना, जबकि ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर ये सिंपल रिएक्शन होता तो जो कोएफिशिएंट है उसको हम पावर में लेके आ जाते थे, है ना, जैसे यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है तो इसका पावर 2 आ जाता था। लेकिन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि ये रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और गल्डबर्ग और वेगी का ये कहना था कि जो रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट है उसको आप पावर में ले लीजिए और वही हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सुनिए आप, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि H2O2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है, बराबर है, ये कितने रिएक्टर पर डिपेंड रहेगा? 1। मतलब यहां पर देखिए रिएक्टर का पावर कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। हेंस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिए आप, H2+I2 हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे हम आयोडीन के साथ, ये तैयार करेगा हमें HI, ओके, हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हम इसके रेट की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H2 और ये I2। बेटा ध्यान से देखिएगा, अब ये जरूरी नहीं कि 1 टाइम में आपको पूरा 100% समझ में आया, धीरे धीरे आपके माइंड में सेट होगा, ओके। चलिए, सो रेट इज इक्वल टू द के H2 और I2। यस सर, इसका पावर 1, इसका पावर 1। तो X+Y करते थे हम इसमें, याद आ रहा हूँ आपको। यस सर, ऐसे किए थे ना, AA+BB गिव्स प्रोडक्ट। यस सर। और रेट कैसे निकाले थे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट ऑफ पावर वाई। सो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट ऑफ पावर एक्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट ऑफ पावर वाई। यस, X+Y है ना, दैट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और X+Y ये होता है स्मॉल n। यस, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, इट इज आप कौन से बोलो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहां पर देखिए n कितना है, 1+1 दैट इज 2 है ना, इसका पावर 1 X+Y। तो यहां पर देखिए n कितना था, 2, और यहां पर n कितना है, 1, चलेगा ना, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हाँ, एग्जांपल नंबर 3 बताता हूं आपको, मतलब इन डिटेल हम पढ़ लेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं।
सुनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड इसका रिएक्शन करवाया हमने ऑक्सीजन के साथ, तैयार करेगा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यस सर, दो मोल है ना, दो एन बैलेंस ऑक्सीजन, चार बैलेंस। अगर हम इसके रेट की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO पावर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 पावर 1। सो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO पावर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 पावर 1। यस सुनिए, सो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है ना, बताइए आप, ओवरऑल रेट ऑफ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोले तो बेहतर रहेगा है ना, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सुनिए आप ध्यान से, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये रहेगा n इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो कौन सा रहेगा बताइए, थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका रिएक्शन करवाया मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अच्छा, एक डाउट ही आपको ये भी क्लियर करवाना था, सुनिए, यहां तो हमने देख के बता दिया, अगर मैं यहां पर सिर्फ H2 के रिस्पेक्ट की बात करूंगा, किसके H2, तो H2 ये रहेगा फर्स्ट ऑर्डर। क्यों रहेगा फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यहां पर H2 का पावर 1 है, और I2 ये भी क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, क्योंकि I2 का पावर 1 है और H2 का पावर कितना 1, दोनों का सम किया हमने, तो ये ओवरऑल है, मतलब पूरा रिएक्शन क्या रहेगा, सेकंड ऑर्डर। यस, अब ऐसा ही मैं अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा कि NO ये क्या रहेगा, ये रहेगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यस सर, क्योंकि यहां पर NO का पावर 2 आया है और O2 ये रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या रहेगा बताइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद रखेंगे। सुनिए, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यस सर, इसके बाद देखिए CH3 और CHO ये हमें देगा CH4 plus CO। क्या इक्वेशन बैलेंस है? यस सर, दो कार्बन चार हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो कार्बन चार हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। यस, चलिए अगर हम इसके रेट की बात करेंगे, सुनिए आप ध्यान से, यहाँ पर गोल्डबर्ग और वेगी का जो कंसेप्ट है फॉल हो जाता। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो कोएफिशिएंट था वो अपने पावर में ले लिए। यस सर, है ना, मतलब जितने रिएक्टेंट रहेंगे, जितना उसका कोएफिशिएंट रहेगा उसको पावर में ले लिए, तो वह रहेगा गोल्डबर्ग और वेगी का कंसेप्ट, और वो रिएक्शन होंगे सारे सिंपल रिएक्शन। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए गोल्डबर्ग और वेगी का कंसेप्ट कुछ मैच नहीं होता, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CH3CHO और इसका पावर है बेटा 3/2। अब बताइए आप, यहाँ पर इसका एक मोल है और पावर कितना रहा, 3/2। यस, सो रेट इज इक्वल टू के, यस, CH3CHO 3/2 है ना। सो ऑर्डर ऑफ, ओवरऑल बताना पड़ेगा, सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना रहेगा बेटा बताइए, 3/2। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होता है 3/2, जबकि यहां पर गोल्डबर्ग और वेगी का कंसेप्ट ये फॉल हो गया। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरा डिटेल एक्सपेरिमेंटल डेटा रहता है, डायरेक्ट हम इस रिएक्टेंट से या फिर इसके प्रोडक्ट से नहीं बता सकते, इसलिए मैं आपको एक सेंटेंस लिखा के दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, वो भी कुछ एग्जाम्पल है जो हम पढ़ेंगे। यस, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 3 जल्दी से निकाल लीजिए। ओके, चलिए
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आया होगा कि x प्लस y है ना, और अगर तीन रिएक्टेंट दिया हमें तो z, ओके x y और z, उसका सम कर देंगे, दैट इज n, यस सर। इसके बाद देखिए आप अगला एग्जांपल है, क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तैयार किया इसने NO प्लस CO2, यस सर। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ओके सुनिए आप, NO2 इसका पावर 2 और CO इसका पावर है 0, सो रेट इज इक्वल टू के, यस सर, NO2 पावर 2 और CO पावर 0, है ना। तो यहां पर x प्लस y, x प्लस y कितना, x कितना है इसमें 2 है और y है 0, तो ये हो जाएगा 2, मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यस सर, ठीक है ना, x प्लस y दैट इज n, ओके। सुनिए अगर मैं यहां पर पूछूं आपको कि NO2 क्या है, तो NO2 का पावर कितना है, 2 है सर, तो ये रहेगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यस सर। और CO ये रहेगा इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या बताइए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। अब देखिए रेट लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्या अगर मान लो एक रिएक्टेंट दिया हुआ है ना, क्या जहां पर जिसका कॉन्सेंट्रेशन, एक रिएक्टेंट ए है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल कर दिए, बी का कॉन्स्टेंट रखे, ओके, और उसका रेट 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिए, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ऐसे मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के देता हूं, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर द रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी इंप्लाइज सी प्लस ट्वाइस डी, इफ द रेट और इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एट कॉन्स्टेंट बी, है ना, बी का यहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो है कॉन्स्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर 4। पहले मैं एक काम करता हूं, रेट लॉ लिख देता हूं, रेट इज इक्वल टू, चलिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स स्मॉल आर, है ना, इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बताइए आप, के ए रेशियो पावर एक्स और बी रेशियो पावर वाई। अब ये हमें पता नहीं है कि रिएक्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो चलेगा ना, मैं आर ओ आर नहीं लिख करके स्मॉल आर लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, यस सर, आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर। चलिए सुनिए, क्या है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ए का कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल कर दी, एट कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बी का यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है ना, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय फैक्टर 4, मतलब 4 आर कर दिए हमने से, 4 आर इज इक्वल टू द, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करना था, के ट्वाइस ए इसका पावर एक्स और बी कॉन्स्टेंट माने हमने, बी का पावर वाई, यस सर। चलिए आगे, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल एट कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डबल कर दिए सर, के ए को कॉन्स्टेंट मान लिए, यस सर, और बी को डबल कर दिए, यस सर, बी को हमने डबल कर दिए। व्हाट इज द रेट लॉ, रेट लॉ ये इक्वेशन है, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आएगा और वाई का वैल्यू कितना आएगा। एक काम करते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। सुनिए आप, क्वेश्चन में से ही मैंने इक्वेशन बनाया, ठीक है, एक काम करेंगे हम, सुनिए, क्या इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड करते हैं एक से, तो क्या क्या चला जाएगा, बी वाई, बी का पावर वाई, बी का पावर वाई कैंसिल हो जाएगा, यस सर, इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, क्या बचा यहाँ पर, 4, है ना, आर आर कैंसिल हो गए, यस सर, तो 4 इज इक्वल टू द, के से के चला गया, यस सर, और यहाँ पर क्या बचा बताइए, 2 का पावर एक्स, 2 रेस पावर एक्स, और सुनिए
ये बी का पावर वाई है, बी का पावर वाई ये डिवीजन में आया था, कैंसिल हो गया। यस सर। तो सुनिए, दो का पावर दो इज इक्वल टू टू रेस पावर एक्स। यस सर। और एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स कितना आ गया इसमें, टू। बराबर है, मतलब इस रिएक्शन में एक्स कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा सर। अब यहां से हम वाई निकालते हैं, वाई कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, वाई कहां से निकलेगा, बी से निकलेगा, है ना। तो एक काम करेंगे हम, इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। क्या बचा, आर आर कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पर, दो इज इक्वल टू, ओके, ए का पावर एक्स के ए का पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा। यस सर। और यहाँ पर ट्वाइस बी, तो बी का पावर वाई, बी का पावर वाई ये कैंसिल हो जाएगा। यस सर। लेकिन यहाँ पर बचा क्या है बताइए, दो का पावर वाई, जैसा यहाँ पर ए का पावर एक्स ही कैंसिल कर दिए थे हमने। यस, सुनिए, तो ये है दो का पावर वाई और यहाँ पर दो का पावर वन, सो वाई इज इक्वल टू वन। हेंस द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर, है ना। और रेट लॉ अगर हम इसके लिखना चाहेंगे, रेट इज इक्वल टू द के, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, दो आ गया सर, और y का वैल्यू कितना आ गया, एक आ गया। आपको समझ में पक्का, देखिए ये था इसका रेट लॉ, ठीक है। चलिए पेज नंबर फिफ्थ है आई थिंक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए, कंसीडर द रिएक्शन ट्वाइस एच टू प्लस ट्वाइस एन ओ गिव्स ट्वाइस एच टू ओ प्लस एन टू। The rate of reaction is double if the concentration of H2 is double. एक equation यहाँ अलग होगी। क्या अगर यहाँ पर हम H2 का concentration double करेंगे तो rate of reaction भी two times बढ़ेगा, double हो जाएगा, है ना। और आगे देखिए, if the concentration of NO is double, अगर इसका concentration हम double करेंगे, rate of reaction, है ना, rate increases by a factor 4, है ना, write the rate law. इसका meaning क्या हो रहा, कि अगर मैं H2 का कॉन्सेंट्रेशन डबल करूंगा तो रेट डबल हो जाएगा, और NO का कॉन्सेंट्रेशन डबल करूंगा तो रेट इसका 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। ओके, पहले हम छोटा सा इक्वेशन लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के, यस सर, H2 इसका पावर x और NO इसका पावर y, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन देखिए आप, चलिए मैं रेट इतना बड़ा नहीं लिख करके r लिख देता हूँ। अब यहां पर डबल कर दिया हमने r, ट्वाइस r इज इक्वल टू k, ओके, ट्वाइस h2, यस सर, इसका पावर x, और यहां no का कोई जिक्र नहीं है तो no इसका पावर y। आगे देखिए, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ no इज डबल, है ना, रेट इंक्रीजेस बाय फैक्टर 4, तो 4r इंक्रीज कर दिया हमने, 4 टाइम्स बढ़ा दिए इसको। k इज इक्वल टू द h2 का कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्स्टेंट है, यस सर, लेकिन एनओ का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, पावर वाई, इक्वेशन थर्ड। एक काम करते हैं हम, इक्वेशन टू को डिवाइड कर देते हैं वन से, क्या बचा इसमें, दो, आर आर कैंसल हो जाएगी, यस सर, ये कैंसल, यस सर, है ना। सुनिए, इक्वेशन टू और फर्स्ट को कंपेयर कीजिए आप, ट्वाइस आर डिवाइडेड बाय आर, ये के कैंसल, H2 इसका पावर x, H2 पावर x कैंसिल, NO पावर y, NO पावर y कैंसिल, लेकिन 2 का पावर x बाकी है, 2 रेस पावर x, सो x इज इक्वल टू 1, x क्या आ जाएगा इसमें, 1। आगे देखिए, क्या इक्वेशन नंबर थर्ड को हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, ठीक है, तो r r कैंसिल हो जाएंगे, कितना बच रहा है पर, 4 बच रहा सर, ओके, के एच टू पावर एक्स, के एच टू पावर एक्स कैंसल, एनओ पावर वाई, एनओ पावर वाई कैंसल, और दो का पावर वाई, और यहाँ पर बेटा दो का पावर दो और ये दो का पावर वाई, सो वाई इज इक्वल टू टू, बराबर है, ठीक है। ओवरऑल, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, एक्स प्लस वाई मतलब वन प्लस टू कितना रहेगा, थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर हम इसका रेट लॉ लिखेंगे, क्योंकि हमें पूछा है रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू द के, यस सर, है ना, एच टू और एन ओ, तो एच टू का पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर,
x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 है बराबर। यहां से हमें समझ में नहीं आ रहा था, अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि H2 जो है ये रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये रहेगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना, और ओवरऑल क्या है ये थर्ड ऑर्डर, H2 इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलेंगे हम, द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेड मॉलिक्यूल या फिर सिंगल स्पेसी, कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टू स्पेसी, कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया, ओके। इसके बाद देखिए द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट रेट इज इक्वल टू, देखिए यहां पर ऑलरेडी इक्वेशन दिया आपको, के रेट इज इक्वल टू के, है ना, ए रेशो पावर 1 है, बी का पावर 2 है ना, यहां पर पावर 1, यस सर। आगे द रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज फॉर्म 2b, रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया हमें, यस सर, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा 0.25 मोलर पर सेकंड, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मोलर एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0.2 मोलर, ओके, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के एट दिस टेंपरेचर, के निकालना है आपको। तो देखिए रेट इज इक्वल टू क्या है, आर इज इक्वल टू के ए का पावर 1, ओके, और बी का पावर 2, ओके। सो के इज इक्वल टू, मैं काम करता हूँ 25 इंटू 10 का पावर माइनस 2 कर देता हूँ इसको, मोलार सेकंड इनवर्स, यस सर, डिवाइडेड बाय, चलिए 1 मोलार, यस सर, पावर 1 इंटू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 1 इसका पावर, यस, चलिए, सो के इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर और हमें क्या लेना है, सुनिए, मोलार दिया ना, चलिए मोलार स्क्वायर, ये मोलार क्यूब हो जाएगा, यस सर, है ना, स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ। सुनिए 25 इंटू 10 का पावर माइनस 2, यस सर, और ये 4 इंटू 10 का पावर माइनस 2 मोलार क्यूब, ठीक है, ये कितना होगा 6.25, यस सर, और ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, सो के इज इक्वल टू 6.25, है ना, और यहाँ पर क्या था, मोलार सेकंड इनवर्स था, तो ये बचा है m रेशो पावर माइनस 2 और सेकंड इनवर्स, शायद ये करेक्ट उसका आंसर है, यस। चलिए इसके बाद देखिए द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ट्वाइस एनओ बी आर गिवस ट्वाइस एनओ प्लस बी आर टू इज रेट इज इक्वल टू के एन ओ बी आर, है ना, इसका पावर 2, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज, रेट कॉन्स्टेंट हमें के दे दिया 1.62 मोलार सेकंड इनवर्स। सुनिए इक्वेशन तो बना के दिया आपको, रेट इज इक्वल टू के, यस सर, एन ओ बी आर, क्या दे दिया, एन ओ बी आर, सुनिए, सो रेट इज इक्वल टू के, बेटा कितना है यहाँ पर, के है सर 1.62 मोलार इनवर्स सेकंड इनवर्स इनटू एन ओ बी आर, इसका पावर 2 है बेटा यहाँ पर इक्वेशन में, यस सर। तो एक काम करते हैं, सुनिए क्या यहाँ पर रेट दे दिया हमें, यस सर, रेट कांस्टेंट दे दिया, ओके, तो देखियो द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ट्वाइस एन ओ बी आर ट्वाइस एन ओ बी आर टू इज रेट इज इक्वल टू, ये दे दिया द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट सर्टेन टेम्परेचर इज, रेट कांस्टेंट, ओके, ध्यान से देखिए आप समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन ओ बी आर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन ओ बी आर ये है 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मोलार, यस। चलिए व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, हमें निकालना है इसका रेट, ठीक है ना, ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर रेट, ये फॉर्मूला है, रेट इज इक्वल टू के, है ना, एन ओ बी आर स्क्वायर, तो एन ओ बी आर का कॉन्सेंट्रेशन दिया हमें 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 और के बताइए आप मोलार है सर, यस। अब आगे ध्यान से देखिए रेट पूछा है हमें, ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू, पहले काम करते हैं हम 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मोलार और ब्रैकेट होल स्क्वायर, यस सर, ठीक है ना, तो एक काम देखिए 4 हो गए, यस सर। अब क्या बचे, देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 टू सा 8, है ना, 6 4 सा 64, तो 6.48 इंटू 10 का पावर माइनस 6, यस सर, और क्या रहेगा
एम सेकंड इनवर्स मोलार पर सेकंड। यस, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। करेक्ट है आंसर पेज नंबर 6। देखिए क्वेश्चन है, राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। ओके, ए प्लस बी गिव्स सी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहां पर देखिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है मोलार में 0.4, 0.6, 0.8, और यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है मोलार में 0.2, 0.2, 0.4, और इन सभी का रेट दिया हुआ है इनिशियल रेट मोलार पर सेकंड में। ओके, 4 × 10⁻⁵, 6 × 10⁻⁵ और 3.2 × 10⁻⁴। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले रेट लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू के ए रेस टू द पावर एक्स और बी रेस टू द पावर वाई। ओके, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में मैं इक्वेशन बना लेता हूं आर वन। ठीक है, आर वन क्या रहेगा यहां पर देखिए, पहला वाला रेट, ठीक है ना, आर वन इज इक्वल टू द बोलिए 4 × 10⁻⁵, चलेगा ना, इज इक्वल टू के। ठीक है, ये आर वन है पहला रेट, इज इक्वल टू के और 0.4 इसका पावर एक्स, 0.2 × 10⁻¹, मतलब ये ए और ये बी। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। ओके, दूसरा देखिए आप, आर टू दूसरा रेट, 6 × 10⁻⁵, यस सर, इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर ए कितना है 0.6 पावर एक्स और ये है 0.2 इसका पावर वाई, यस सर। ठीक है, आर थ्री तीसरा रेट, मैं काम करता हूँ इसको 32 कर देता हूँ × 10⁻⁵, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा, यस सर, इज इक्वल टू, सुनिए आप ध्यान से, के ए कितना है यहाँ पर 0.8 इसका पावर एक्स और 0.4 इसका पावर वाई, ये थर्ड। ठीक है ना, यहाँ पर अब हमें पता करना है एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आएगी। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, सबसे पहले। ओके, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, 32 ये 10⁻⁵, 10⁻⁵ कैंसिल है ना, और 32 डिवाइडेड बाय 4 है ना, कितना 8, तो 8 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है देखिए, के कैंसिल, ये 0.8 ये 0.4, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 ये है 2 का पावर एक्स बचा है यहाँ पर, यस सर, और ये देखिए आप 0.4 और ये 0.2, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 दैट इज 2 का पावर वाई, और ये है तो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 2 × x + y, बेस सेम है, पावर का मैंने एडिशन कर दिया हूँ, यस सर, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 3rd रहेगा, नो डाउट। ओके, इसके बाद देखिए इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, यस सर, तो क्या बचा, 10⁻⁵, 10⁻⁵ चला गया 6/4, यस सर, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए बेटा के कैंसिल, ये है 0.6, यस सर, डिवाइडेड बाय 0.4 इसका पावर एक्स चलेगा सर, और 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 है ना पावर वाई वाई कैंसिल। ठीक है, तो देखिए आप इसका पावर कितना था, 1 था, सो एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, यस सर, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सो वाई इज इक्वल टू 3 − x, सो वाई इज इक्वल टू 3 − 1 दैट इज वाई इज इक्वल टू 2। ओके, सुनिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, 3rd ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 3rd ऑर्डर, यस सर। अगर हम यहां पर ए के रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो है ना, ए के रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1st ऑर्डर, और बी के रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो ये 2nd ऑर्डर। ओके, ए जो है क्या रहेगा इसमें, 1st ऑर्डर, यस सर, और बी क्या रहेगा, 2nd
ऑर्डर रिएक्शन, यस सर, ओके। अब इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे, तो रेट लॉ इज इक्वल टू के, ए का पावर एक्स, बराबर है ना, एक्स कितना है, वन है, और बी का पावर दो, ये हो गया इसका रेट लॉ, ओके। चलिए जितना एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है निकाल लीजिए। इसके बाद देखिए रिएक्शन है यहाँ पर दिया, द रिएक्शन ट्वाइस एनओ प्लस सी एल टू गिव्स ट्वाइस एनओ सी एल इज फर्स्ट ऑर्डर इन सी एल टू, बराबर है, मतलब यहाँ पर इसका रेट अगर बात करेंगे सी एल टू का कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर पावर वन है, ओके, और सेकंड ऑर्डर किस में बताइए आप, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन ओ इसका पावर टू, यस सर, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन ओ पावर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एल टू पावर वन, सो रेट इज इक्वल टू द के एन ओ इसका पावर दो और सी एल टू इसका पावर वन, बस हो गया इसका आंसर। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ओके। चलिए पेज नंबर 7 डेली लेक्चर के हिसाब से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका। देखिए क्वेश्चन ये है, द रेट ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी इंप्लाइज पी इज, रेट दे दिया 3.6 इंटू 10 से पावर माइनस 2 मोलार सेकंड इनवर्स, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.2 मोलार एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ये है यहाँ पर 0.1 मोलार, कैलकुलेट द के निकालने में, इफ द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी, सुनिए आप, रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू लिखते हम के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, यस सर, लेकिन जब यहां पर देखिए हमें ऑलरेडी दे दिया क्या ए जो है सेकंड ऑर्डर है और बी जो है फर्स्ट ऑर्डर है, तो मैं एक काम करता हूँ डायरेक्ट एक्स की जगह दो कर देता हूँ और वाई की जगह एक कर देता हूँ, ओके। चलिए आगे देखिए यहाँ पर रेट दिया हमें 36 कर देता हूँ इंटू 10 पावर माइनस 3 मोलार सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू के, हमें के निकालना है, और ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, सुनिए ए दिया हमें 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 मोलार इसका स्क्वायर, यस कन्वर्ट करके लिखा इसे, और बी है यहाँ पर 1 इंटू 10 पावर माइनस 1 है ना और मोलार, यस सर, ओके इसका पावर 1। सुनिए ध्यान से आप, के इज इक्वल टू क्या है इसमें 36 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोलार सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 एम स्क्वायर इंटू 1 इंटू 10 पावर माइनस 1, ओके, और ये मोलार, यस सर, ये कैंसिल हो जाएगा, यस सर, ये एम क्यूब ऊपर जाने पर एम माइनस स्क्वायर हो जाएगा और 9 4 36, सो के इज इक्वल टू 9 इंटू, बराबर है, चलिए तो सारा चला गया यहाँ से, एम रेस पावर माइनस 2 और सेकंड इनवर्स, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, यस सर, चेक कर लेते हैं हम, ओके करेक्ट आंसर इसका, यस। दूसरा देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन इज, द रेट ऑफ रिएक्शन ए प्लस ट्वाइस बी इंप्लाइज सी प्लस ट्वाइस डी इज, रेट दे दिया हमें कितना 6 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोलार पर सेकंड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0.3, ओके मोलार, व्हाट इज द ओवरऑल है ना ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द रेट कॉन्स्टेंट एट गिवन टेम्परेचर इज, रेट कॉन्स्टेंट मतलब के दे दिया हमें कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकंड इनवर्स, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ पहले R इज इक्वल टू K, यस सर, A रेशो पावर X और B का पावर Y, यस सर, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिए रेट जो दिया हमें 6 इंटू 10 रेशो पावर माइनस 4, यस सर, मोलार सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू के तो हमें दिया है कितना दिया 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकंड इनवर्स, यस सर, ओके। और यहां पर देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमें दिया है 0.3 मोलार, इसको कॉमन उधर लिख दिए या फिर चलिए 0.3 मोलार और एक्स और ये 0.3
मोलार, यस सर, 0.3 मोलार पावर वाई। ओके चलिए, आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, 6/2, यस सर, 6/2। ओके, और यहाँ पर क्या है बताइए, ये था इंटू टेन से पावर माइनस फोर मोलार सेकंड इनवर्स, यस सर, और इंटू टेन से पावर माइनस थ्री, यस सर, सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू, ये टाइम बचत के हिसाब से मैंने ऐसे एडजस्ट करके रखा हूँ, क्वेश्चन लिखा हूँ, इज इक्वल टू, देखिए आप यहाँ पर बेस से मैं पावर का हम एडिशन कर दी थी, इज इक्वल टू 0.3, यस सर, मोलार, यस, एक्स प्लस वाई। ओके सुनिए, 3 बचा है यहाँ पर और ये 10 इनवर्स मतलब 0.3 बचा है, 0.3, यस सर, सेकंड कैंसर, और 0.3 और ये है मोलार, इज इक्वल टू द 0.3 और ये है मोलार। सुनिए आप, 0.3 इसका पावर x प्लस वाई और m इसका पावर x प्लस वाई। ओके, तो 0.3 का पावर कितना है, 1 है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ओके, हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ओके, हमें क्या पूछा था, रेट कांस्टेंट है ना, और क्या निकालने का था, तो ध्यान से देखिएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा रहेगा बताइए आप, फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए इंप्लाइज बी इज, रेट दे दिया हमें 5.4 इंटू 10 से पावर माइनस 6 मोलार पर सेकंड, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.3 मोलार, कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन। मतलब यहां पर देखिए क्या, रेट इज इक्वल टू के ए रेस पावर एक्स और बी रेस पावर वाई। ओके, लेकिन यहां पर क्या है कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन किसका दिया, ए का, तो ऐसे रहने देते हैं, यस। चलिए, रेट कितना दे दिया आपको यहां पर, सर रेट दिया हमें 5.4। ओके, और के हमें निकालने के लिए पूछा है ना, कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट, सो के इज इक्वल टू रेट बाय है ना ए का पावर एक्स, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर दिया तो x डायरेक्ट हम वन कर देंगे। ओके सर, चलिए, रेट कितना है 5.4 इंटू 10 से पावर माइनस 6 अपॉन, यस सर, 3 इंटू 10 से पावर माइनस 1, यस सर, ये मोलार है, और यहाँ पर क्या था बताइए आप, मोलार सेकंड इनवर्स, सो k इज इक्वल टू, एक काम करते हैं हम, इसको 54 कर देंगे है ना, 18। ओके, और ये 10 का पावर माइनस कितना हो जाएगा, 7 ऊपर जाने, ये 10 का पावर -1 ऊपर जाने पर -6 है ना, इनटू 10 से पावर -6 मोलार सेकंड इनवर्स, यस सर, है ना, चलिए करेक्ट है ना, बराबर है। ओके, ध्यान से देखिए, सो के इज इक्वल टू 18 इनटू 10 से पावर -6 मोलार सेकंड इनवर्स, और के इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ना, 1.8 इनटू 10 से पावर -5 मोलार सेकंड इनवर्स, ये कन्वर्जन है इसका, यस सर, नहीं मोलार तो कैंसिल हुआ, सिर्फ सेकंड बचा है, सेकंड इनवर्स मोलार कैंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पहले एक काम कीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पेज 8। चलिए, ओके, तो इसका आंसर करेक्ट है, यस, हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज के लेक्चर के हिसाब से मैं ये लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर बाद में और टाइम रहा तो और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा के दूंगा आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पहले इसलिए लिख के रखना पड़ रहा है क्योंकि इससे हमारी टाइम बचत हो जाती है, नहीं तो फिर मैं देख के क्वेश्चन लिखूंगा उस पर फिर हमारा खाली पीली टाइम पास होगा, तो इसलिए पहले ही मैं नोट करके रखता हूँ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स के लिए खास बात। ओके चलिए, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये है बेटा, समझ लीजिए, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी इम्प्लाइज प्रोडक्ट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल एट कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल। ओके, ध्यान से देखिए, पहले हम एक काम करते हैं, आर इज इक्वल टू लिख देते हैं के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई।
यस सर, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए। आगे देखिए, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी इज डबल एट कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ए का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रखेंगे, बी को डबल कर दी, और द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, ओके, यानी यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल कर दी हमने, यस सर, के ए का पावर एक्स, यस सर, और बी जो है, ध्यान से देखिएगा, बी जो हमें दिया है यहाँ पर, बी को डबल कर दिए, तो ट्वाइस बी इसका पावर वाई, यस सर, ओके। आगे देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, हो गया, चलिए, इफ ए इज ट्रिपल्ड एंड बी इज डबल, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय फैक्टर सिक्स, यानी यहाँ पर सिक्स आर से इससे बढ़ा रहे हम, यस सर, और ए को क्या कर दिए, ए को कर दिए सर ट्रिपल, ओके, और बी को हमने यहाँ पर कर दिए हैं डबल, ट्वाइस बी इसका पावर वाई, यस सर, ओके। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय फैक्टर सिक्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सुनिए आप, मतलब यहाँ पर हमें निकालना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसमें ए कौन सा ऑर्डर रहेगा, बी कौन सा रहेगा, यस। चलिए, अब यहाँ से इक्वेशन से आपको थोड़ा सा इसमें मैथ्स लगाना पड़ेगा। देखिए, इक्वेशन नंबर टू को अगर हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर टू डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो क्या होगा, इसमें आर आर चला जाएगा, क्या बचा, दो। चलिए, टू इज इक्वल टू, यहाँ से के ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स खत्म, बी का पावर वाई, बी का पावर वाई खत्म, यहाँ पर टू रेस्ट ऑफ पावर वाई, यहाँ पर वन था, सो वाई इज इक्वल टू वन। चलिए, वाई तो निकाल लिया हमने यहाँ पर। दूसरा देखिए, इक्वेशन नंबर थर्ड को अगर हम दो से डिवाइड करके देखेंगे, है ना, जो हमारे लिए सूटेबल है। सुनिए, थर्ड को टू से डिवाइड करके देखेंगे तो आर आर चले जाएगा, कितना यहाँ पर, टू बाय थ्री, चलिए सिक्स बाय टू इज इक्वल टू, यस सर, के चला गया सर, ए का पावर एक्स चला गया, यहाँ बचा है तीन का पावर एक्स, यस सर, ओके, क्या है बताइए, तीन का पावर एक्स, ओके, हाँ। उसके बाद में देखिए, दो का पावर क्या था, ये टू बी रेस पावर बाय टू बी रेस पावर कैंसिल हो गया, यस सर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बचा है, तीन, सो थ्री इसका पावर वन, और यहाँ पर तीन का पावर x, सो x इज इक्वल टू वन, x क्या है यहाँ पर, वन, सिंपल से ना आ गया इसका आंसर, यस। चलिए, सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई, मतलब वन प्लस वन दैट इज टू, तो ये रहेगा सेकंड ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके। इसके बाद देखिए, क्या यहाँ पर ए जो है ना, ए का पावर कितना आ रहा, देखिए रेट लॉ निकाल लेते हैं इसका, रेट इज इक्वल टू के, ओके, ए का पावर वन और बी रेस ऑफ पावर वन, यस सर, तो ए रहेगा इसमें फर्स्ट ऑर्डर और बी भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चेक कर लेते हैं इसका आंसर कितना है टोटल, ओवरऑल रिएक्शन, हाँ बराबर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके। तो आई होप यहाँ तक के आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, रेट लॉ क्या होता है, ओके, रेट कांस्टेंट क्या होता है। चलिए, पेज नंबर 9 अपने रेगुलर लेक्चर के हिसाब से स्क्रीनशॉट निकालिए, ओके, चलिए, बाय।